तो चलिए अब एक कॉन्सेप्ट टेस्ट सॉल्व करते हैं। इसमें हमें एक अनग्रुप डेटा गिवन है और हमें उस डेटा के लिए मीन डेविएशन अबाउट मीडियन फाइंड करना है। मीन डेविएशन के लिए ये सभी स्टेप्स आप ऑलरेडी सीख चुके हैं एंड इन सभी स्टेप्स को फॉलो करते हुए हमें मीन डेविएशन फाइंड करना है। तो अब आप इस क्वेश्चन को आगे खुद से सॉल्व कीजिए। सो प्लीज पॉज द वीडियो हेयर एंड टेक 4 मिनट्स टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। आई होप आप सभी ने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया होगा। तो चलिए अब हम इसका सॉल्यूशन देखते हैं। सबसे पहले हमें मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी फाइंड करनी है और वो है यहाँ मीडियन। दैट मीन्स हमें गिवन डेटा के लिए मीडियन फाइंड करना है एंड मीडियन के लिए ये कॉन्सेप्ट हम ऑलरेडी सीख चुके हैं। अब यदि हम गिवन डेटा में देखें तो जो नंबर ऑफ टर्म्स है वो 10 है एंड यह एक इवन नंबर है। सो इस केस में जो मीडियन होगा वह 5th and 6th टर्म के मीन के इक्वल होगा एंड यह 5th and 6th टर्म में 46 and 49, यानी कि मीडियन हो जाएगा 46 and 49 का मीन एंड वह हमें 47.5 के इक्वल मिलेगा। तो अब हमें मीडियन मिल चुका है यानी कि ए की वैल्यू या फिर एम की वैल्यू मिल चुकी है। सो अब हम डेटा को कुछ इस तरह से लिख सकते हैं। इसके बाद हम ईच ऑब्जर्वेशन का एब्सोल्यूट डेविएशन फ्रॉम मीडियन फाइंड करेंगे तो इनकी वैल्यूज हमें कुछ इस तरह से मिलेंगी। तो अब हमें प्रत्येक ऑब्जर्वेशन का मीडियन से एब्सोल्यूट डेविएशन मिल चुका है। इसके लिए हम ये फॉर्मूला यूज करेंगे क्योंकि यहां जो मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी यूज हो रही है वह मीडियन है। तो हमें सबसे पहले इन सभी का सम चाहिए जो कि 70 के इक्वल होगा। तो अब हम मीन डेविएशन आसानी से फाइंड कर सकते हैं एंड यह 17/10 के इक्वल होगा, यानी कि मीन डेविएशन अबाउट मीडियन हमें 7 के इक्वल मिलेगा। आई होप आप सभी को यह क्वेश्चन अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। इस टॉपिक की यदि हम समरी की बात करें तो सबसे पहले हमने ये सीखा कि किसी भी गिवन सीरीज के लिए हम रेंज कैसे फाइंड करते हैं। इसके बाद हमने अनग्रुप्ड डेटा के लिए मीन डेविएशन अबाउट मीन एंड मीन डेविएशन अबाउट मीडियन फाइंड करना सीखा। आपने इस टॉपिक में जितने भी फॉर्मूले पढ़े हैं वो आपको डायरेक्ट ही याद रखने हैं। अब आपको अपनी बुक से ये सभी क्वेश्चन सॉल्व करने हैं।